वाओ, हेडहाउस 380 क्रिकेट गेम प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हेडोस 380 जो क्रिकेट गेम आने वाला है, न्यू क्रिकेट गेम, वो कब तक रिलीज होगा प्ले स्टोर के ऊपर, यानी कि कब तक लॉन्च होगा प्ले स्टोर के ऊपर। साथ में कुछ फीचर के बारे में भी बात करने वाला है जो कि कंपनी ने खुद रिवील कर दिए हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फाइनल कर लेते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करते हैं कि इसमें फीचर कौन कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फीचर आपको देखने को मिलने वाला है वो है बीस्ट मोड। अब ये बीस्ट मोड क्या होता है, गेम के आने के बाद पता चलेगा। पहली बार एंड्रॉयड क्रिकेट गेम के अंदर बीस्ट मोड आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये होता क्या है, गेम आने के बाद ही पता चलने वाला है कि बीस्ट मोड क्या होता है। और उसके बाद आने वाला है इसमें टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि इन्होंने अभी एक ट्रेलर लॉन्च किया, एक छोटा सा प्रोमो लॉन्च किया कुछ दिन पहले। तो उसमें दिखाया गया कि इसमें आपको टेस्ट मैच भी देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो जो WCB2 खेलते हैं, यानी कि वर्ल्ड क्रिकेट बैटल 2 जो गेम खेलते हैं, उसमें टेस्ट मैच आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन हेडोस 380 क्रिकेट गेम के अंदर आपको टेस्ट मैच देखने को मिलने वाला है। ये अच्छी खुशखबरी की बात है कि आपको टेस्ट मैच देखने को मिलने वाला है यहाँ पर हेडोस 380 क्रिकेट गेम के अंदर। अब अगला जो फीचर है वो है मैथ्यू हिडन की कमेंट्री। मैथ्यू हिडन की कमेंट्री आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये जो गेम है पूरा का पूरा फोकस है, मैथ्यू हिडन क्रिकेटर है उनके ऊपर ये पूरा का पूरा गेम बनाया गया। तो मैथ्यू हिडन की कमेंट्री आपको देखने को मिलने वाली है, इंग्लिश कमेंट्री देखने को मिलने वाले है। अब हिंदी कमेंट्री किसकी आने वाली है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश कमेंट्री आपको मैथ्यू हिडन की देखने को मिलने वाले। इन्होंने एक छोटा सा प्रोमो भी लॉन्च किया था कि और दिखाया था कि आपको मैथ्यू हिडन सर आपके जो हैं वो रिकॉर्ड करवा रहे थे, कमेंट्री को रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो मैथ्यू हिडन की कमेंट्री आपको देखने को मिलने वाली है। अब अगला जो फीचर है ग्राफिक का, आपको पता होगा कि जो इन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया तो ग्राफिक बिल्कुल अच्छे नहीं है, ना ही गेम प्ले अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम WCB2 इनका जो गेम है उन्हीं के सेम टू सेम नज़र आ रहा है ग्राफिक। और गेम प्ले थोड़ा बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ गया है, ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ गया। अगर इंप्रूव करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन इन्होंने डिले क्यों किया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इनको टाइम मिल चुका। तो शायद हो सकता है कि इसमें आपको ग्राफिक गेम प्ले वगैरह चेंजेस देखने को मिल जाए, क्योंकि इन्होंने ट्रेलर किया तो नीचे में कमेंट ज्यादा अच्छे नहीं थे। सिर्फ यही ज्यादा कमेंट था कि गेम प्ले और ग्राफिक सेम टू सेम WCB2 की तरह इसको चेंज किया जाए। ये है सभी के सभी फैंस की डिमांड है। और नीचे में आप कमेंट सेक्शन में चेक भी कर सकते हैं उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो ट्रेलर में ज्यादा कुछ खास दिखाया नहीं गया, सिर्फ यही एक छोटा सा प्रोमो दिखाया गया था, वहां पर आपको गेम प्ले दिखाया गया था और साथ में बताया गया था कि इसमें टेस्ट मैच और बीस्ट मोड देखने को मिलने वाला है, लेकिन और कुछ भी नहीं दिखाया गया था। तो यही थे कुछ फीचर जो कि कंपनी की तरफ से रिवील हुए हैं, लेकिन गेम आने के बाद ही पता चलने वाला है कि इसमें आपको और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, कि ये पूरा का पूरा बेस्ट गेम किसके ऊपर होने वाला है या फिर इसमें वर्ल्ड कप वगैरह देखने को मिलने वाला है। तो गेम आने के बाद पता चल जाएगा। तो अभी हम बात करें कि ये जो गेम है कब तक देखने को मिलने वाला है, तो मैं इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर देखोगे, गूगल में सर्च करोगे hedos380.com, तो वहाँ पर आपके सामने साइट खोल के आ जाएगी इनकी। तो वहाँ पर देख आप देख सकते हैं, अभी मैंने इस साइट को ओपन कर लिया, तो नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर इनका लोगो देखने को मिल जाता है क्रिएटिव मंकी गेम्स का। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए हेडोस 380 पावर पैक क्रिकेट गेम लॉन्चिंग इन 5 days 0 hours 41 minutes, यानी कि 5 दिन के बाद सुबह 9 बजे ये जो गेम है देखने को मिलने वाला। अभी पीछे में टाइम भी चल रहा है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो 5 दिन के अंदर ये जो गेम लॉन्च होने वाला है, आज 16 मई हो चुकी है, तो 20 मई को ये जो गेम आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि 20 या फिर 21 मई को ये जो गेम है प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च हो जाएगा और आप इसको आराम से खेल पाएंगे। जैसे ही ये गेम लॉन्च होगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि ये गेम लॉन्च हो चुका है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है। ये जो गेम है अभी अपने अभी प्ले स्टोर के ऊपर इसका प्री रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर हेडोस 380 क्रिकेट गेम सर्च कीजिए, वहाँ पर आ जाएगा आपके सामने, या फिर WCB2 सर्च कीजिए, उसके नीचे में जाइए मोर में जाकर, उनके मोर गेम्स में जाकर उनका ये जो गेम है देखने को मिल जाएगा प्री रजिस्टर के लिए। तो अभी तक नहीं किया था प्री रजिस्टर आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। तो ये जो गेम है 5 दिन के अंदर लॉन्च होने वाला है, 21 मई या फिर 20 मई को ये जो गेम है लॉन्च हो जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से ये जो डिले हो चुका है, नहीं अगर ये डिले नहीं होता तो ये जो गेम है अप्रैल के एंड में आने वाला था, लेकिन अप्रैल के एंड में नहीं आया, 1 मई को आने वाला था ये गेम, लेकिन 20 दिन आगे कर देगा कोरोना वायरस की वजह से। तो ये जो गेम अब आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, यानी कि 5 दिन के बाद ये जो गेम है देखने को मिलने वाला था। कुछ दिन आपको वेट करना होगा, 5 या 6 दिन, तो ये जो गेम आपको लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही लॉन्च होगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो आज की वीडियो को मैं बस ये बताना था कि साथ में आपको सब कुछ बता दिया मैंने कि गेम कब आने वाला है, क्या क्या फीचर आने वाला है। तो ये वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।